दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपको यहां से कुछ जाता हुआ नजर आया होगा। एक्चुअली वो नेवला था, मैं घर की तरफ जा रहा था तो मैंने सोचा चलो आपसे एक दो प्लांट जो है वाइल्ड एरिया के वो शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ से अभी गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक फ्लावर है येलो कलर का, जिसको यहाँ पे जंगली सूरजमुखी कहते हैं, जो यहाँ पे काफी आपको देखने को मिल सकते हैं। उस साइड भी काफी लगे हुए हैं और इस साइड भी काफी है, और देखिए सामने उधर भी आपको दिख रहे होंगे। ये रास्ता सीधा घर की तरफ जाएगा तो इस रास्ते के पास भी ये फ्लावर है जो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। ये देखिए, जंगलों में ये इजीली ग्रो हो जाते हैं और यहाँ पे आपको ये काफी देखने को मिलेंगे। जो सूरजमुखी है वो सूरज के हिसाब से चलते हैं, यानी कि जब सूरज इस साइड से निकलता है मॉर्निंग में तो इनका जो चेहरा होता है यानी इनका जो फेस है वो उस साइड होता है, और जैसे जैसे सूरज शाम को ढलने लगता है तो इनका जो फेस है वो चेंज होता रहता है। आपको दिख रहा होगा इनका जो फेस है, देखिए इन फ्लावर का सभी का फेस जो है अब इस साइड है क्योंकि अब इवनिंग टाइम है और जो सूरज है वो ढलने वाला है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस साइड सूरज है और इसी साइड इसका जो फ्लावर का जो फेस है वो उसकी तरफ है। इस वाइल्ड एरिया में अगर आप देखेंगे तो काफी जगह पे इसके काफी प्लांट्स लगे हुए हैं, ये भी काफी खूबसूरत लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये, अगर आप इसको टच करोगे तो इसमें काफी स्मेल आती है हाथों में, तो इसको दूर से देखने में अच्छा लगता है लेकिन इसको टच ना करें। दोस्तों, यहाँ पे एक और प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा ये धतूरे का है, एक काला धतूरा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, और ये जो है ये सफेद धतूरा है। ये देखिए, इस पे जो फ्लोर है वो व्हाइट कलर का है, और जो मैंने दिखाया था उस पे जो फ्लोर है वो बैंगनी कलर का होता है और इस पे व्हाइट कलर का है। इस पे भी देखिए जो इसका फ्रूट है, सेम जैसे फ्रूट उस पे लगता है वैसे फ्रूट इसके ऊपर लगता है। आप देख सकते हैं इसके फ्रूट, ये मोस्टली आपको यहाँ जंगलों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो काला धतूरा जिसको बोलते हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, मोस्टली वो आपको मंदिरों में मिल सकता है उसका प्लांट, और काफी शुभ माना जाता है। आपको एक वीडियो में दिखाया था जो आंकड़े का, जो दिखाया था सफेद आंक जिसको बोलते हैं, चलिए उसका प्लांट भी दिखा देता हूँ आपको। कुछ प्लांट दिखा देता हूँ। देखिए ये जो प्लांट है ये सफेद आंकड़े का नहीं है, जो सफेद आंकड़े है उसका जो बार्क होता है वो सफेद होता है। सफेद आंकड़े के जो फ्लोर है वो बिल्कुल सफेद आएंगे। मैं देखता हूँ कोई और प्लांट जिसपे फ्लोवरिंग हो रही हो वो आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए एक आंकड़ा यहाँ पे है, इसकी जो फ्लोर है काफी खूबसूरत है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इसका जो फ्लोर है कितना खूबसूरत है, पीछे से तो ये भी व्हाइट है लेकिन अगर इसके बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा बैंगनी कलर दिख रहा होगा, पर्पल कलर। दोस्तों, इसकी भी काफी औषधियां बनती है। इसकी मैंने एक बार किसी वैद्य से सुना था, उसने इसके फ्लोवर को उसने जो दमे की शिकायत जिसको होती है उसमें यूज किया था, और इसके अंदर जो दूध निकलता है ये देखिए आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का दूध। मैंने इसको स्टिक से, इसको मैंने प्लांट को इस साइड किया तो इसमें से दूध निकल आया, बहुत जल्दी इसमें से दूध निकल जाता है। और इसके फ्लोवर भी जो भगवान शिव है उस पर अर्पित किए जाते हैं, जहरीली घास बोलते हैं इसको, और इसमें से बहुत ही जो स्मेल आती है और ये काफी बेकार है हमारे लिए। अगर आपके आसपास इसका जो प्लांट अगर आपको दिखता है तो उसको जड़ से निकालकर या तो उसको जला दें या कहीं दूर उसको दबा दें, ये काफी जहरीली है और ये काफी दूर तक फैल जाती है, तो इससे आप जरूर बचें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।